स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, बेटी की वो आखिरी कॉल, मौसी प्लीज मुझे बचाओ, मुझे किडनैप कर ले गए हैं, बंदूक भी रखे हैं। पुलिस और घरवालों में हड़कंप। कोरबा सतरंगा में पिकनिक मनाने के दूसरे दिन से कुसमुंडा क्षेत्र की 19 वर्षीय युवती प्रियंका सोनवानी लापता हो गई। दो दिन की खोज के बाद परिजनों ने इस बारे में कुसमुंडा थाने में पुलिस को लिखित में सूचना दी। हाल में ही एक नंबर से आए फोन कॉल के बाद परिजनों की चिंता बढ़ी हुई है, जिसमें प्रियंका ने खुद को किडनैप करने की जानकारी दी और बचाने की अपील की। कोयलांचल कुसमुंडा में रहने वाली ममता बाई सोनवानी की 19 वर्षीय पुत्री प्रियंका सोनवानी सामान्य परिवार से वास्ता रखती है, जो 24 अगस्त से लापता है। अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। कामकाज के लिए घर से निकली थी और उसके बाद फिर घर नहीं लौटी। प्रियंका की मां ममता ने बताया कि 22 अगस्त को वो अपने सहेलियों के साथ पर्यटन स्थल सतरेंगा पिकनिक मनाने गई हुई थी। वहां से वापस आने के बाद 23 अगस्त को अपने काम पर कुसमुंडा कॉलोनी में झाड़ू पोंछा लगाने के नाम से घर से निकली है। उसके बाद से वो घर नहीं लौटी। जहां काम करने जाती है वहां पता किया गया तो पता चला कि वो काम पर ही नहीं आई। फोन करने पर मोबाइल बंद था, उन्हें लगा कि किसी रिश्तेदार के घर गई होगी। एक दिन बीत जाने के बाद भी घर नहीं आई तो परिजन आसपास में उसकी तलाश करने लगे। जब नहीं मिली तो इसकी शिकायत तत्काल कुसमुंडा थाने में दर्ज कराई। प्रियंका की मां ममता ने बताया कि 30 तारीख की दोपहर प्रियंका के मौसी नेहा के नंबर पर एक कॉल आया, जिसमें रोते हुए बोली कि मौसी मैं प्रियंका चुलबुली बोल रही हूँ, मुझे कोई उठा कर ले आए हैं, उनके पास बंदूक है, मैं बहुत दूर हूँ, मुझे बचा लो, मौसी ये कहते हुए फोन कट गया। इसका ऑडियो नेहा ने रिकॉर्ड रखा और इसकी सूचना उसने पुलिस को दी। ममता ने बताया कि हाल में ही किसी के मोबाइल से प्रियंका ने हमसे फोन पर बातचीत की। डरे हुए अंदाज में यह बातचीत हुई, जिसमें प्रियंका के द्वारा खुद को किडनैप करने की बात कही गई, खुद को बचाने के लिए कहा गया। प्रियंका की मौसी नेहा ने बताया कि फोन कॉल उसी के नंबर पर आया था। बातचीत को हमने रिकॉर्ड किया है, लेकिन जब कुछ देर के बाद उस नंबर पर संपर्क किया गया था तब से अब तक स्विच ऑफ दिखा रहा है। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। परिजनों ने इसकी शिकायत कुसमुंडा थाना पुलिस और पुलिस अधीक्षक से की है और परिजनों ने गुहार लगाई है कि उसकी बेटी प्रियंका उर्फ चुलबुली को जल्द ही खोज निकाले। इस मामले में कुसमुंडा थाना प्रभारी नवीन देवांगन ने बताया कि पीड़ित परिवार ने युवती के लापता होने की सूचना पुलिस को दी है। गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है।